सबकी पिक्चरों पर कट लगाने वाले पहलाज नीलानी अब खुद कट लिए हैं। उन्हें सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह प्रसिद्ध लेखक प्रसून जोशी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पहलाज नीलानी ने जब से पद संभाला है तब से वे विवादों में घिरे रहे हैं। कई फिल्मों के सीन्स पर कैंची चलाने के लिए उनको घेरा जा चुका है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि उनकी कुर्सी खतरे में है। कई बार उन्हें फिल्मों में बेवजह या गैर जरूरी रूप से कट लगाने के चलते विवादों में भी पड़ना पड़ा। साथ ही कई बार प्रहलाज को आपत्तिजनक सीन्स वाली फिल्मों को यूए सर्टिफिकेट देने के लिए भी विवादों में रहना पड़ा। प्रहलाज नीलानी कई बार विवादों में रहे हैं। 19 जनवरी 2015 में उन्हें सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। कई फिल्मों पर मनमाने ढंग से कैची चलाने को लेकर उनकी काफी आलोचनाएं की जा चुकी हैं। इसके अलावा कई बार अपने बयानों को लेकर भी उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। मार्च 2015 में चीफ बनते ही उन्होंने 70 से ज्यादा कट्स के बावजूद फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे को हरी झंडी नहीं दी। ऐसे ही अनुष्का शर्मा की फिल्म NH10 को नो कट्स के बाद ए सर्टिफिकेट दे दिया गया। अगस्त 2015 में उन्होंने डॉक्यूमेंट्री द बैटल ऑफ बनारस को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। वहीं हाल ही में नीलानी फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुरखा में किए गए कट्स को लेकर विवादों में रहे थे। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। MFI News, हमेशा सच के साथ।